अलीगढ़ थाना क्वारी क्षेत्र के अंतर्गत रामनाथ रोड स्थित एक हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से एक महिला की जान चली गई। बताया जा रहा है कि बघेल हॉस्पिटल में एक महिला को लाया गया आज, जिसके पेट में केवल और केवल दर्द था। उसके बाद में सीधे सीधे डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन कर डाला। ऑपरेशन के वक्त उस महिला की जान चली गई। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं महिला के मृतक महिला के परिजन। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम डीएस राजपूत है। डीएस, ये बताइए कि किस तरीके से ये मामला हुआ, पूरा क्या मामला है? देखो सर, मामला ये है कि हमने 4 दिन पहले पेशेंट को भर्ती किया जी। उनके पेट में दर्द था केवल पेशेंट के में। उसके बाद में यहाँ कर लेके आए हॉस्पिटल में। हम यहाँ ला के इन्होंने बोला ऑपरेशन होगा पेशेंट का जी। हमने टीका भी ऑपरेशन करवा। ऑपरेशन करने के बाद में इन्होंने पेशेंट को सीधा वेंटिलेटर पे लगा दिया। हमें कोई पेशेंट की कंडीशन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा, ना कोई हमारे सामने पेशेंट, ना कोई आँख खोली, ना हाथ हिलाया, ना कुछ भी। हमसे कहते रहे कि पेशेंट को नशा दिया है, सुला रखा है पेशेंट के लिए, नशा देगी सुला। हमसे 3 दिन तक यही बोलते रहे, 3 दिन तक हम रिपोर्ट कराते रहे कि पेशेंट की कंडीशन अब सुधार जाता है, अब सुधार जाता है, अब सुधार जा रहा है, ऐसे ज़्यादा बोलते रहे हमसे। उसके बाद में आज 4th दिन हो गया और कल दोपहर से बर्फ मगा मगा के बॉडी की ईसाई करा रहे हैं कि पेशेंट को बीपी भर है। लेकिन हम लोगों ने जाके देखा तो पेशेंट को ऐसा कुछ भी, शायद हम थोड़ा बहुत जानते हैं, नॉर्मली सब लोग जानते हैं ऐसा तो क्या, अगर कोई भी बता सकता है कि किसी को पेशेंट को फीवर है, कुछ भी नहीं है। हमने जाके देखा तो पेशेंट को ऐसा कोई फीवर नहीं था, पेशेंट कोई मूवमेंट ही नहीं था पेशेंट के। और ये लोग बर्फ की सिकाई कराते रहे उसको, बर्फ की घिसवाते रहे। उसके बाद में हमने बोला कि भाई हमारे पेशेंट की क्या कंडीशन है, तो हमसे ऐसे अल्ले डाले देते रहे। आज सुबह हमने थोड़ा सा कर्राई से बोला उनसे, तो कह रहे हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी पेशेंट को ले आ सकते हो, हमारी कोई गारंटी नहीं है। और हम कहते हैं इलाज करो, क्या इलाज तो हम कर रहे हैं, पैसे जमा करो। पैसे लेते रहे और ना ही पेशेंट की कंडीशन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था, कोई भी नहीं था। अगर हम किसी से शिकायत करते, किसी कहते, किसी अधिकारी से बोलते, कोई आ रहा है तो उससे कहते हैं कि पेशेंट का इलाज चल रहा है, और हम कहते तो हमसे कह रहे हैं कि पेशेंट को अपने को ले जाओ, हमारी कोई गारंटी नहीं है। हमने थोड़ा और कुछ बोला तो हमको गाली देने लगे, हमें इसमें गाली गलौज भी दिया। और ये बोला कि साले तुमको मरवाऊंगा यहाँ से, देने जाओगे तो। हम 4-6 लोग आ गए थे गांव से, बोला था उनसे। किस गांव से आप? मेरा गांव तरेची है। ये किधर पड़ता है? ये पता है छर्रा तोली रोड पर। किस तरीके की लापरवाही आप देखी गई है हॉस्पिटल की तरफ से? देखो डॉक्टर की तरफ से लापरवाही भी है और दूसरा हमको गुमराह किया है डॉक्टर ने। पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से आपको किस तरीके की मदद मिली है? देखो सर, पुलिस की तरफ से हमें लगा कि हमारे पेशेंट का भी एक्सपायर है, कुछ भी नहीं है। हमें जितना जानते हैं तो हमें लगा कि पेशेंट की कंडीशन में कोई सुधार नहीं है। हमसे पेशेंट डॉक्टर कह रहा है कि अपने पेशेंट को ले जाओ आप, और हम किसी को बुलाते हैं, कोई भी एक्स वाई जेड आता है बाहर से पर्सन, तो उसे कहते हैं अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। अच्छा, आप लोगों ने जाम लगाने की कोशिश करी थी? जाम लगाने की कोशिश की हमने, रोड पर थोड़ा खड़े होने की कोशिश की ताकि हमें कोई सुने, हमारी कोई सुन नहीं रहा था। हमने यहाँ से लेकर ऊपर तक हर जगह कोशिश की अपनी सुनाने की, लेकिन हमारी कोई नहीं सुन रहा था। हमने भी थोड़ा सा, हम तो कुछ ना कुछ कोशिश तो करेंगे भाई, हमारे हम गरीब आदमी कोई नहीं सुनेगा, तो हमारी हमने थोड़ा सा रोड पे जाने की कोशिश की तो सारी बहुत सारी पुलिस आ गई। प्रदीप कुमार है। क्या हुआ आज के जाम, किस तरीके से जाम लगा रहे थे, अब क्या मामला है? देखोगे ना, 27 साल एज है, इतनी मोटी लाश हो रही है फूल के, इतनी बुरी कंडीशन में, और किसी को ना जाने दे रहे ना कुछ। क्या बीमारी थी उनको? कोई नहीं, घर से चल के आई थी तो पेट में दर्द था, पेट में दर्द। हाँ, अल्ट्रासाउंड कराने लाए थे, फिर यहाँ दिखाने आ गए, इन्होंने बोला कि उनका ऑपरेशन होगा, उनके साथ में उनके हस्बैंड थे, उनको इतनी जानकारी नहीं है। उसके बाद में फिर ऑपरेशन कर दिया, ऑपरेशन के दूसरे दिन से ही वेंटिलेटर पे है, ना किसी को मिलने दे रहे हैं, मिलने भी देते हैं तो बहुत दूर से, मतलब शीशे से, शीशे में से देख लो, पास में कोई नहीं जाएगा। 3 दिन हो गए, बर्फ की सिकाई करवा रहे हैं, एक हाई टेम्परेचर पर एसी चला रखी है, बॉडी डिकम्पोज ना हो। आपको बता दें, मृतक के परिजनों का कहना है कि बघेल हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से उनकी बहन की जान चली गई, जिससे उनमें काफ़ी आक्रोश देखने को मिला। आक्रोशित परिजनों ने सीधे सीधे रामगढ़ रोड पर जाम लगाने की कोशिश करी। पुलिस प्रशासन ने बड़ा मुश्किल तरीके से सूझबूझ से, प्रशासन की ने कि सूझबूझ से उन्होंने इस जाम को खुलवाया और परिजनों को समझा बुझा के उनको उनकी बहन की बॉडी देने के लिए उनको मना लिया। इस खबर के लिए मेरे सहयोगी प्रिंस राघव के साथ राजीव राजपूत, DNSP न्यूज़, अलीगढ़।